जनवरी में विदेशों से सोयाबीन तेल के आयात में भारी बढ़ोतरी होने के कारण सोयाबीन का प्लांट डिलीवरी मूल्य नरम पड़ गया था मगर 2 से 8 फ़रवरी सप्ताह के दौरान नीचे दाम पर खरीदारी होने से इसके मूल्य में एक सौ प्रति क्विंटल तक का सुधार दर्ज किया गया सोयामील के निर्यात में भी इज़ाफ़ा देखने को मिला है समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्लांट डिलीवरी मूल्य में 75 से एक सौ रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी रही लेकिन कारोबार ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा कई प्लांटों ने एक या दो दिन ही खरीदारी की कीमतों में कुछ सुधार आने के बावजूद सोयाबीन का भाव सरकारी समर्थन मूल्य के आसपास ही रहा वहीं महाराष्ट्र में भी लगभग यही स्थिति देखी गई वहां प्लांट डिलीवरी भाव 30 से 50 रुपए प्रति क्विंटल सुधरा जबकि कुछ प्लांटों में दाम 75 से 100 रुपए तक तेज़ देखा गया कीमतों का स्तर 4,650 से 4,750 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा राजस्थान के कोटा में सोयाबीन का प्लांट डिलीवरी मूल्य 50 से 100 रुपए की तेज़ी के साथ 4,650 से 4,900 रुपए प्रति क्विंटल के बीच पहुंच गया है प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में 2 फरवरी को तीन दशमलव शून्य शून्य लाख बोरी 3 फरवरी को दो दशमलव दो शून्य लाख बोरी 5 फरवरी को दो दशमलव सात पाँच लाख बोरी 6 फरवरी को भी दो दशमलव पांच सात पाँच लाख बोरी 7 फरवरी को दो दशमलव छह शून्य लाख बोरी तथा 8 फरवरी को तीन दशमलव चार शून्य लाख बोरी सोयाबीन की आवक दर्ज की गई है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी